If you feel down yesterday, stand up today. Hello everyone, I am a student, or you can say I'm a teacher. I think I am both because मैं ऐसी aspirant हूँ जो अपने result का wait कर रही हूँ. And I guess मैं नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस वक्त अपना DTPLSP, TGT या फिर PRT का result के wait कर रहे हैं. I still remember 27th July was the date जब हमारा notice आया था. Notice number was 3/21 I guess. And उस point पे जब vacancy आई थी तो we all were very happy. And I think सबसे पहला reason ये था कि like after completing my BEd, corona के बाद ये पहला exam था जो मैंने दिया है. एंड आई गेस टीचर का एग्ज़ाम जो मैंने दिया है अभी तक वो पहला है. आफ्टर सीटेड ये पहला एग्ज़ाम है जो एक्चुअली जॉब के लिए है. एंड बहुत अच्छे से मेहनत करी थी हम सब ने आई गेस, एंड हम सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं. एंड ये जो टाइम है एग्ज़ाम होने से लेके रिजल्ट आने तक का टाइम, दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम. एंड आई थिंक ये बहुत बेचैन वाला टाइम है. आप हर एक घंटे आप रिजल्ट चेक करते हो, बिकॉज हम सबको पता है कि बीएड की DSSSB की वेबसाइट कैसी है. वो बहुत स्लो है काम, ऑब्वियसली सरकारी तरीके से होते हैं. एंड अभी रिसेंटली बहुत सारी वैकेंसीज निकली है, बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, पिछले ईयर के बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिले हो रही हैं. बट येस, थिंग्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ. एंड अभी रिसेंटली हमारी आंसर शीट भी आई है. एंड इस पॉइंट पे ना वी आर लाइक इन द सेंटर. हमें नहीं पता कि हम इधर जाने वाले हैं, हम उधर जाने वाले हैं, कि हम पास हो जाएंगे, हमें सीधा जॉब मिलने वाली है या फिर सीधा हम घर जाने वाले हैं. एंड कट ऑफ का किसी को आइडिया नहीं है, बिकॉज बहुत सारे बैचेस में एग्ज़ाम्स हुए थे. कुछ बैच का एग्ज़ाम बहुत ईजी था, कुछ का बहुत डिफ़िकल्ट था. वी डोंट नो नॉर्मलाइजेशन में कितना अच्छे से चीज़ें ठीक हो जाएंगी या फिर हमारे फेवर में होगा रिजल्ट या नहीं होगा. वी हैव नो क्ल्यू राइट नाउ. एंड वेल पर्सनली इफ आई से अबाउट माई सेल्फ, देन एग्ज़ाम दे दिया. एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत अच्छे से मेहनत करी थी. मॉर्निंग में उठना, सुबह सुबह रिवाइज करना, आफ्टरनून में सारी चीज़ें पढ़ना, एंड देन रात को दोबारा से न्यू चीज़ें पढ़ना एंड रिवाइज करना. सो दिस वॉज अ शेड्यूल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट राइट नाउ अब सब कुछ गोल हो चुका है. सुबह की उठने की बात तो छोड़ दो, बिकॉज 10 बजे से पहले आप उठ ही नहीं पाते और पढ़ने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता, बिकॉज ऑब्वियसली आपका मोटिवेशन थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाता है. एंड जैसे एग्जाम ओवर हुए थे थोड़ा हम चिल होकर बैठ गए थे कि अब फ्रेंड्स भी कंप्लीट कर लिया है, एंड इंस्टाग्राम भी बहुत चला लिया, फेसबुक भी बहुत चला लिया, यूट्यूब भी बहुत चला लिया, अब कुछ नहीं है करने के लिए. एंड ऐसा नहीं है कि हमने या मैंने कभी एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट नहीं किया. ऑब्वियसली अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रखी है कि KVS का रिजल्ट जो है वो जल्द ही आने, और KVS का जो एग्ज़ाम है वो जल्द ही आने वाला है. एंड वो कब आएगा किसी को आइडिया नहीं है, बट आने वाला है इसकी गारंटी सब ले रहे हैं. कब आएगा किसी को नहीं पता. पहले ये चीज़ 2 साल से चल रही है कि आएगा आएगा आएगा, कब आएगा किसी को आइडिया नहीं है. एंड ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्ट नहीं किया. लाइफ इफ़ आई पर्सनली से अबाउट माई सेल्फ, तो ये मैंने सारी चीज़ें बनाई थी. एंड ये सारी चीज़ें हैं मेरी जो मैंने उस टाइम पे करी थी. हर एक सिलेबस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, EVS, सब कुछ अच्छे से बना रखा है. क्या पढ़ना है सब कुछ लिखा हुआ है, बट वो पढ़ना स्टार्ट नहीं हो पा रहा. आई डोंट नो वो कब स्टार्ट होगा, एंड आई एम होपिंग कि आगे स्टार्ट हो जाएगा. एंड राइट नाउ इफ आई पर्सनली टेल माई फीलिंग, देन मोटिवेशन ना बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है. डीमोटिवेशन बिल्कुल 99.9% आ रखी है. वो जो थोड़ा सा बचा हुआ 0.1% मोटिवेशन है ना, वो शायद वही है जिससे मैं ये वीडियो बनाने की हिम्मत आई है, वरना मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो चुकी है. आई डोंट नो कि DSSSB में क्या होगा, एंड आगे किसी और एग्ज़ाम के लिए या KVS के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो ही नहीं पा रही है. वेल, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सीधा बोलते हैं कि आप पढ़ते हो अपने नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हो. ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम्स के लिए ही पढ़ो, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ो. एंड ये भी ज़रूरी नहीं है कि नोटिफिकेशन से पहले आप नोटिफिकेशन के बाद ही आप पढ़ना स्टार्ट करोगे.
वेल ऑब्वियसली सी बात है, हर किसी को नॉलेज गेन करनी है, मुझे भी अपनी नॉलेज गेन करनी है, बट वो जो मोटिवेशन लेवल है ना वो डाउन हो चुका है, तो वो कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप शायद मेरे सामने कुछ भी रख लो, बहुत सारी चीज़ें रख लो, नहीं हो रहा स्टार्ट। ओके, सो लाइक बहुत सारी थ्योरीज हैं साइकोलॉजी के अंदर कि अगर अपनी व्हाट यू वांट, आपका जो गोल्स हैं वो अपने सामने रखो, अपनी चीज़ अपने सामने रखो, अपने गोल्स को हमेशा सोचो, एंड देन यू विल बी एबल टू लर्न थिंग्स एंड ऑल। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, ये सारा केवीएस का एग्जाम का सिलेबस है। मैंने सिलेबस पार्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज देयर, बट कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, नथिंग इज देयर। एंड इस ऐसी हालत है ना कि माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, DSSP में होगा या नहीं होगा, आगे प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूं, कैसी होगी कैसे नहीं होगी, पहले के एग्ज़ाम्स के टाइम पे, पहले जो एग्ज़ाम दिया था DSSP का, उस पॉइंट में क्या क्या मिस्टेक हुई थी, उसको कैसे ठीक करनी चाहिए। मेरी स्ट्रैटेजी है माइंड में बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, एंड आई थिंक आई एम नॉट द ओनली वन जो ये सारी चीज़ें फेस कर रही है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो ये सारी चीज़ें फेस कर रहे होंगे, एंड इससे ओवरकम करना इट्स अ रियली बिग थिंग, रियली इट्स अ रियली बिग थिंग, बिकॉज ये जो बीच का टाइम होता है ना ये बहुत क्रूशियल होता है, लाइक आई एम टेलिंग यू कि बहुत क्रूशियल होता है। मेरा एक आर ऐसा नहीं जाता कि मैं रिजल्ट चेक नहीं करती, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे 100% श्योर है कि भाई मेरी तो जॉब लग गई है ख़त्म, नो देयर इज़ नथिंग लाइक दिस, आई एम ऑन द एज राइट नाउ, इट्स लाइक अ 50-50 केस। नॉर्मलाइजेशन से बच भी सकती हूँ एंड नॉर्मलाइजेशन की वजह से मैं फंस भी सकती हूँ, तो घर वापसी भी हो सकती है और आगे प्रोसेस चालू भी हो सकता है। ऊपर से DSSP का प्रोसेस इतना लंबा है कि आप वेट करते करते थक जाओगे, एंड आई गेस अभी जब रिजल्ट आएगा तो वो सबसे पहले E-Dozier आएगा, एंड उसके बाद E-Dozier के बाद अपना E-Dozier आप अपलोड करोगे, एंड ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगी, तो वो फर्स्ट कॉल देंगे, फिर उसका वेट करेंगे, बच्चे अपलोड करेंगे, फिर अगेन कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होगी, वो सेकेंड कॉल करेंगे, सेकेंड कॉल का नोटिस आएगा, अगेन पीपल विल अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स, देन थर्ड कॉल आएगा। सो ऐसे 2-3 नोटिस आएंगे अपलोड के लिए भी, एंड उसके बाद जाके आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, एंड फाइनल रिजल्ट के बाद भी प्रोसेस सिर्फ वहीं ख़त्म नहीं होता, प्रोसेस आगे भी चालू होता है, आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होता है, देन पुलिस वेरिफिकेशन होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो 2022 तक चीज़ें खींचने वाली हैं, ये मैं बहुत अच्छे से श्योर हूँ, बट प्रोसेस ख़त्म कब होगा, कौन से मंथ में होगा, ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सो आई थिंक शायद अब मैं रेडी हूँ चीज़ें स्टार्ट करने के लिए। वेल आई एम नॉट श्योर कि चीज़ें स्टार्ट होंगी भी या नहीं होंगी आगे एग्जाम्स के लिए मैं प्रिपेयर करूँगी या नहीं करूँगी, बट येस फ्रॉम माई साइड आई विल स्टार्ट थिंग्स। KVS का एग्ज़ाम आने वाला है, कब आने वाला है मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कब आने वाला है, बस बट वी हैव टू बी प्रिपेयर बिफोर दैट, बिकॉज जैसे ही नोटिस आएगा उसके 3 मंथ के अंदर या मिनिमम 2 मंथ के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा, एंड ये बात हम सबको बताएं कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा KVS का। वेल वैकेंसीज बहुत अच्छी आने वाली है इस बार, बम्पर वैकेंसीज आएंगी KVS के अंदर, बिकॉज बहुत टाइम से एग्ज़ाम नहीं हुआ, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर, बिकॉज यू नो किसी से डर नहीं लगता साहब, बट KVS के एग्ज़ाम से और उसके इंटरव्यू से ज़रूर डर लगता है। हम सबको पता है KVS बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड बहुत डिफिकल्ट भी होता है, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर, एंड आई थिंक मुझे भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। सो फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ट्राई, यू नो आई एम नॉट वेरी श्योर कि चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी या कितना क्या होगा, जस्ट वी विल ट्राई फ्रॉम आवर साइड, एंड आई थिंक आप सब भी अपनी तरफ से ट्राई करेंगे। सो कहते हैं ना कि ऑल बर्ड फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग द रेन, बट ईगल अवॉइड्स रेन बट फ्लाई अबव द क्लाउड्स, एंड आई थिंक दिस इज द पॉइंट वेन वी हैव टू ओवरकम द थिंग्स। एग्जाम का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, कीपिंग इट असाइड, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड प्रिपेयर फॉर आर नेक्स्ट एग्जाम, एंड दैट माइट बी KVS, एंड वी नो दैट KVS इज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस।
एंड इट्स रियली हार्ड. सो वी हैव टू वर्क हार्ड.